हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 7 जून 2022। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तो मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आज रात को जैसे कि पोर्टफोलियो रिव्यू का वीडियो आता है वो मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा। वो पोर्टफोलियो रिव्यू का जो वीडियो है वो मैं कल सुबह पे अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट जैसे कि टाइम में रात को आता है एकदम लास्ट वीडियो आ जाएगा। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कंसिडर करना इस चीज़ को। तो दोस्तों, बैक टू द पॉइंट, आज मार्केट के अंदर हमें फिर से गिरावट देखने को मिला, और ये गिरावट दोस्तों कल भी जारी हो सकता है। आज निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 1% की करीब हमें गिरावट देखने को मिला था, जहां पे निफ्टी आज क्लोजिंग दिया 16,400 पॉइंट पे। अब देखिए, आज की अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिला, स्पेशली आईटी सेक्टर के अंदर। आईटी सेक्टर आज करीबन 1.5% के आसपास हमें गिरावट हुआ है। इवन लास्ट कुछ टाइम से भी हमने देखा था आईटी सेक्टर के अंदर भारी भरकम गिरावट या सेल देखने को मिला था, बेसिकली जो नैसडैक के अंदर इतना गिरावट हुआ था जिस वजह से। तो दोस्तों, अभी अगर हम बात करें आईटी सेक्टर का, कुछ चार इंपॉर्टेंट कंपनीज है जिसके अंदर दोस्तों को बहुत यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आया। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सबसे पहले आपको न्यूज़ के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, ये आज का न्यूज़ है, न्यूज़ का हेडलाइन आपके सामने है। जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ा दिग्गज ब्रोकरेज कंपनी, इवन रेटिंग एजेंसी कंपनी है। तो जेपी मॉर्गन डाउनग्रेड इंडियन आईटी सेक्टर, जो कि कुछ टाइम पहले हमने देखा था मई की लास्ट वीक पे, बेसिकली यहाँ पे जेपी मॉर्गन की तरफ से जो इंडियन आईटी सेक्टर है उसको डाउनग्रेड किया गया था। बट बुलिश ऑन दिस 4 आईटी स्टॉक, तो उसके बावजूद भी लगभग 4 आईटी स्टॉक के अंदर दोस्तों यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है, और काफ़ी बुलिश यहाँ पे देखने को मिला। तो कौन सा चार्ट है दोस्तों, ऑब्वियसली आप थंबनेल देख के जान गए होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि जेपी मॉर्गन का कहना है कि जब हमने देखा था लॉकडाउन के बाद, ऑब्वियसली हमने देखा कि आईटी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला कंपेयर टू दूसरे सेक्टर, और उसके साथ साथ हमने देखा था इंडियन का जो आईटी सेक्टर स्टॉक्स था वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवैल्यूड जोन पे पहुंच गया था, जिस वजह से लास्ट 1.5-2 महीने से हमें आईटी सेक्टर के अंदर भारी भरकम गिरावट भी हमें देखने को मिला। ये सब तो हमें पता चल गया। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, इवन एज ग्लोबल ब्रोकरेज हैज़ रिमाइंडेड अंडरवेट ऑन द आईटी सेक्टर, इट इज़ ओवरवेट ऑन ओनली 4 इंडियन आईटी स्टॉक्स। तो आईटी सेक्टर को दोस्तों थोड़ा सा अंडरवेट किया और ओवरवेट किया 4 इंडियन आईटी स्टॉक्स को, जैसे कि इंफोसिस, टेक महिंद्रा, दो बड़े कंपनी जिसका मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ के ऊपर है, एक मीडियोकर कंपनी एम्फासिस, और एक छोटा कंपनी परसिस्टेंट लिमिटेड। तो ये चारों दोस्तों स्टॉक बहुत शानदार है, इवन मैं तो हमेशा इसको रेकमेंड भी करता हूँ। तो ये चार शेयर के अंदर दोस्तों यहाँ पे बुलिश हमें देखने को मिला जो कि जेपी मॉर्गन की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों बाइंग का रेकमेंड भी किया। तो डेफिनेटली ये चारों कंपनी दोस्तों आज के दिन पर अगर हम बात करें बहुत हद तक गिर चुका है और कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला स्टॉक है। अब चलिए एक एक करके इंडिविजुअली हम बात करेंगे ये चार स्टॉक्स के अंदर कि आपका क्या यहाँ पे रणनीति हो सकता है या आगे का क्या इसके अंदर टारगेट हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंफोसिस, जो कि कुछ टाइम पहले भी हमें आपको अपडेट दे दिया था, याद होगा आपको लास्ट 1 महीने पे हमने देखा था जब शेयर ऑलमोस्ट 1400 तक पहुंच गया था, उसके बाद देखिए शेयर धीरे धीरे करके एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 2 हफ्ते के भीतर ही करीबन 8.5% का रिकवर हो चुका था। आज की रेट पर अगर हम बात करें फिर से मार्केट के अंदर हमें वॉलीटिलिटी, क्योंकि कल आपको सभी को मालूम है आरबीआई का जो यहाँ पे कमेटी का मीटिंग होगा उसके जो आउटकम के थ्रू जो रेपो रेट का एक यहाँ पे अनाउंसमेंट होने जा रहा है कल अप्रॉक्सीमेटली 1:30-2 बजे के आसपास यहाँ पे आने का चांस है वो न्यूज़। तो डेफिनेटली जब आएगा मार्केट के अंदर एक इमीडिएट इंपैक्ट जरूर आएगा, मेरा कहने का मतलब बियर यहाँ पे एक मूवमेंट हो सकता है मार्केट के अंदर डाउन साइड। तो इन्फोसिस की शेयर ऑब्वियसली यहाँ पे गिरावट हो सकता है, तो अगर शेयर के अंदर गिरावट हुआ जो कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था शेयर लगभग 1400 तक पहुंच गया था, इस बार उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा, बट हाँ सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा 1450। अदरवाइज अगर हम बात करें लास्ट 5 साल पे देखिए शेयर के अंदर कितना शानदार मोमेंटम हमें देखने को मिला, इवन 1 साल की अगर हम बात करें लास्ट टाइम जब शेयर अपना ऑल टाइम हाई, इवन Q4 रिजल्ट की पहले भी हमने देखा था शेयर करीबन 1900 तक पहुंच गया था, उसके बाद देखिए शेयर कहां से कहां गिर गया। तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, इवन हमने देखा ग्लोबल जो ब्रोकरेज कंपनीज जेपी मॉर्गन की तरफ से भी यहां पे काफ़ी बुलिश देखने को मिला। तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा मल्टीपल का रिटर्न कमा के दिया अपने शेयर होल्डर को। तो डेफिनेटली दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जितना हो सके बाई ऑन डिप्स में, अब बाई ऑन डिप्स मतलब यहाँ पे जितना गिरे उतना उठाइए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज की डेट में शेयर 1500 में चल रहा है, तो आप आपके बजट के अनुसार कुछ क्वांटिटी का शेयर उठा लीजिए, उसके बाद हो सकता है कि कल शेयर 50 पॉइंट और गिर गया, 50 रुपये और गिर गया, तो हर एक 50 रुपये की गैप में आप एक सर्टेन क्वांटिटी 2, 3, 4 आप आपके बजट के अनुसार उठाते जाइए। इसे बोलते हैं बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बड़े बेनिफिट्स दे सकता है। बात करेंगे दूसरा शेयर टेक महिंद्रा,
ये भी एक बहुत बड़ा कंपनी है, इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी टेक महिंद्रा। ये शेयर भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, इवन कुछ दिन पहले भी हमने देखा था 1000 तक पहुंच गया था शेयर, ज़्यादा पुराने बात नहीं, देखिए 1060 तक इसको सपोर्ट मिला। उसके बाद देखिए शेयर के अंदर धीरे धीरे अभी रिकवर देखने को मिला, बस कुछ ही दिनों के भीतर भीतर देखिए ऑलमोस्ट 10% 11% के ऊपर यहाँ पे रिकवर शेयर कर चुका था। अभी लास्ट 5 दिनों पर थोड़ा कंसोलिडेशन फेज हमें फिर से देखने को मिला, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोल सकते हो कि डरा हुआ है या फियर जोन पे है, क्योंकि ये रेपो रेट की वजह से अब किसी को नहीं मालूम कि कल मार्केट कितना गिरेगा। अब ना भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन बन चुका है आज की डेट में, हाईली वॉलेटिलिटी। तो मुझे लगता है कि कल मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर जब न्यूज़ आएगा तब फिर से नीचे आएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अगर हम बात करें टेक महिंद्रा, तो देखिए टेक महिंद्रा के अंदर इतना ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है, शेयर पहुंच गया था करीबन 1800 के ऊपर, 1800 से शेयर अगर हम बात करें 41% गिरावट हुआ, वो भी टेक महिंद्रा जैसे इतना बड़ा कंपनी। एकदम अगर हम मैं टॉप टू बॉटम तक अगर कैलकुलेट करूँ तो लगभग 41% का गिरावट हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 5 महीने के भीतर भीतर। तो डेफिनेटली दोस्तों इतना ज़्यादा गिरावट होने का पीछे रीज़न हम सभी ने जानते हैं, जो मार्जिन इशू हमें देखने को मिला स्पेशली आईटी सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे मेरा सिंगल एकदम सिंपल आपका जो यहाँ पे रेकमेंड रहेगा कि जितना हो सके डिपेंड उठाइए, जैसे कि ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी भी आपके सेम टू चीज यहाँ पे रेकमेंड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंफोसिस, ये भी बहुत बड़ा कंपनी है, आप देख सकते हो करीबन 47,000 करोड़ के आसपास एक लार्ज कैप कंपनी है, जो कि आज के दिन पे भी शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिला। लास्ट 6 महीने पे भी देखिए ये शेयर भी भारी भरकम गिरावट हुआ है, इवन कुछ टाइम पहले ज़्यादा पुराने बात नहीं मार्च के महीने पे देखिए शेयर अपना ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया था, उसके बाद देखिए फिर से शेयर के अंदर गिरावट। एंड इसका भी अगर हम एकदम टॉप से लेकर बॉटम तक कैलकुलेट करें तो करीबन 30% की गिरावट तो बस कुछ ही दिनों के अंदर, अप्रैल मई जून, मतलब 2 महीने के भीतर ये शेयर इतना ज़्यादा गिर चुका है, 30% के आसपास गिर चुका है, जो कि लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा खासा रिटर्न कमा के दिया। देखिए इतना ज़्यादा गिर चुका है, उसके बावजूद भी देखिए शेयर करीबन 30% के आसपास रिटर्न दे चुका है। 5 साल पे देखिए कितना शानदार रिटर्न दिया, 290% का। इवन उसके पहले से अगर हम बात करें तो देखिए इतना ज़्यादा गिरने के बाद भी शेयर करीबन 9,500 रुपये का रिटर्न, सॉरी 9,500% का रिटर्न दिया। अब देखिए ये सारे जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अनसर्टन है, बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी है, तो इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए, क्योंकि ये जो सारे ब्रोकरेज कंपनी JP Morgan बोलिए या जो भी डोमेस्टिक जो ब्रोकरेज कंपनीज या यहाँ पे जो अबाउट बाहर का जो ब्रोकरेज कंपनीज या ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी सारे जो यहाँ पे टारगेट दे रहा है या सब यहाँ पे जो बाइंग का रेकमेंड दे रहा है ये लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आज की डेट पे मार्केट दोस्तों बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें परसिस्टेंट, इसके अंदर तो मैं लगातार रेकमेंड भी किया था, बहुत बार रेकमेंड किया था, हर एक डिप्स में इसके अंदर भी मेरा राय है उठाइए। परसिस्टेंट का शेयर भी कुछ दिन पहले ज़्यादा पुराने बात नहीं 5,000 पे पहुंच गया था, यहाँ पे देखिए 5,000 पे देखिए 4,915 यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट एक्चुअली जो इसका ऑल टाइम हाई है 5,000 के करीब है। वहीं से अगर हम देखा जाए ये भी सेम टू सेम ऑलमोस्ट 30% के आसपास गिरावट हो चुका है, जो कि कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला स्टॉक में से है। देखिए इतना ज़्यादा गिर चुका है, कितना रिटर्न दिया 46% का, 46% का रिटर्न दिया है 1 साल पे, 5 साल के तो छोड़ ही दीजिए, उससे भी ज़्यादा देखिए लगभग 500% के आसपास दिया, वो भी इतना गिरावट होने के बाद भी। बहुत शानदार कंपनी है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत तगड़ा है। इस बार अगर हम रिजल्ट की बात करें वही सेम टू सेम इशू हमें देखने को मिला, भले ही यहाँ पे रेवेन्यू आया, नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ आया, यहाँ पे जो कि अर्निंग पर शेयर के अंदर ग्रोथ आया, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट आप मान के चल सकते हो, कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिला, ठीक है। परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कंपनी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा, स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा, ये चारों शेयर में से मैं पर्सनली आपको बोलूँगा परसिस्टेंट के अंदर शेयर उठाइए, बढ़िया कंपनी है, लॉन्ग टर्म में देखना आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली इन्फोसिस तो बहुत बड़ा कंपनी, इसके अंदर भी मैं रेकमेंड करूँगा, इवन ये चार ही कंपनी दोस्तों जो कि JP Morgan के थ्रू यहाँ पे रेकमेंड आया है, बहुत शानदार कंपनी है, बट हाँ खुद प्रॉपर एनालाइज कीजिए उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। अब देखते हैं कि कल मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करता है, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है। तो वीडियो कहीं पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लेटे क्या, बाय, जय हिंद।